पप्पू यादव हैं यहाँ पर हमारे साथ में, जो बताएंगे उसको रोकना चाहिए। पप्पू जी, आप हमले जिस तरह से कल भी आए थे, आज भी, परसों भी थे, लेकिन सब दिन थे, कोरोना में भी थे, पानी में भी थे, मौत में भी थे, बाढ़ में भी थे, लॉकडाउन में भी थे, लेकिन जो आगजनी हो रही है उसको रोकने की भी तो कोशिश होनी चाहिए पप्पू जी। कि इसके कारण से पप्पू जी हर एक तरह से बंद हो गया है, बहुत ही खराब स्थिति हो गई। सर ये मोदी जी से पूछो ना, उनके एमएलए एमपी को बोलो झंडा लगा है 56 इंच का सीना लेके यूथ के पास जाए और बोले ये सही है। अब जब जल जाता है तब 10% आरक्षण 23 साल काहे बदलाव करते रहते, किसान का वापस क्यों किया? आप क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में? आप क्या, आपकी मांग है रुपया पेंशन या नहीं तो असुरक्षा की भावना जवानों के भीतर न रहे, सम्मान बोध संविदा पर बाहरी नहीं, 67 लाख नौकरी को भरो, 16 करोड़ का क्या हुआ, 2024 का इवेंट इसको ना बनाओ जैसे आपने 8 साल बनाया, और वन पेंशन वन रैंक इसकी बात करो, वन इलेक्शन वन टैक्स की बात करो, वन हेल्थ एजुकेशन की बात करो, हिंदू मियां भूमिहार बाभन राजपूत मत। केंद्र सरकार जो है इसमें कुछ परिवर्तन ला रही है सर, अच्छी बात है, राइफल्स में देर आएंगे सुधरेंगे, पूरे देश की बात करिए ना, हम आर के सिन्हा के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, हम मोदी जी के दोस्त के यहाँ जाकर के गार्ड नहीं बनेंगे, मटन मुर्गा खा करके सत्तू नहीं ना पियेंगे, तब हमको डाइवर्ट कर रहे हो ना, हम बॉर्डर पर मरेंगे जब हमारे बच्चे असुरक्षित होंगे तो हमारे मन में डर होगा हमें क्या करना चाहिए, और हम चुपचाप, इसके पहले जो सैनिक थे क्या वो वीर नहीं थे, क्या उन्होंने देश नहीं बचाया? आज तक जो सैनिक है सिपाही है देश नहीं बचाया। मैं आग्रह करूंगा इन जुमलेबाजी को बंद करिए और सभी बीजेपी एमएलए मंत्री जाके बताइए, माफी मांगिए अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी। आपको लग रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके घर पर हमला, डिप्टी सीएम के घर पर हमला, सब जगह लोग जो है, लेकिन रोपिएगा बबुल तो खाइएगा खजूर, हिंदू मियां करके यही ना लाखों लोग मारे थे, यही लोग ने भूरा बाल भूमिहार बाभन राजपूत जादव तेली बैकवर्ड फॉरवर्ड किए थे, यही लोग ने मंडल कमंडल करके लाखों लोग मार के सत्ता पर गए थे, जाट आंदोलन आरक्षण स्वर्ण आरक्षण नूपुर के आंदोलन के बाद हिंसा, लाखों लोगों को मारने नहीं थे सीखा। हम युवाओं से अपील करेंगे हिंसा ना करिए और इस लड़ाई को तेज करिए। FIR दर्ज हो चुका है, 90 से ज्यादा और 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं इस पूरे मसले। सर मैं आग्रह करूंगा, क्या सरकार कभी किसान को मारेगी 900 लोग, कभी सड़क पर बिहारियों को मार देगा कोरोना में, 48 लाख लोगों को कोरोना में मार दिया, हम असुरक्षित हैं आजीवन, 8 सालों से आजीवन असुरक्षित हो गए, सबको गाली देते हैं ये सही नहीं है, जब तक ये क्या आप वापसी चाहते हैं या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं इसमें? क्या या तो वापसी करिए या तो ट्रेनिंग का पीरियड 9 महीना से 12 महीना बढ़ाइए, पेंशन 25,000 करिए, और हमारी जो संविदा है इस पर बहाल मत, जिसकी नौकरी पक्की ना हो उसे पेंशन देने की बात, हाँ उसको 25,000 पेंशन, नेताओं का भी पेंशन खत्म होना चाहिए, हम तो कर रहे हैं 8 साल मोदी और सीएम मात्र है, हम तो बोल रहे हैं। आप चिट्ठी लिखिएगा कि आप पेंशन नहीं लीजिएगा सर, हम पहले लिख चुके हैं सर, सदन में बोल चुके हैं सर, सदन में बोल चुके हैं सर, हम तो डेली बांटते हैं सर, हम तो डेली बांटते हैं सर, क्या पेंशन देगा हमको कोई सरकार? ये काफी सारे यात्री फंसे हुए हैं सर, पप्पू जी बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं, पेंशन देगा हर जगह पर, चारों तरफ सड़क पर है, स्टेशन पर, हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे आप बताइए सर? सैनिक को कर दो हम छोड़ देंगे पेंशन, सर बच्चे की सौगंध हम पेंशन छोड़, गिरफ्तारी हो रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ले जाने दो, आपको भी ले जा रहे हैं, इनको कहाँ ले जा रहे हैं? अरे हमको छोड़िए ना, हमको कहाँ ले जा रहे हैं? आपको भी डिटेन करेगा पप्पू यादव जी? सर डिटेन करेगा तो यदि देश के किसान और यूथ के लिए डिटेन हो सकते हैं तो अच्छी बात है, हम बिहार के 14 करोड़ और देश के 140 करोड़ के लिए हम मर रही हैं, मर सकते हैं, हमको कोई मारेगा? गिरफ्तारी दे रहे हैं, हमको कह रहा कि यहाँ से चलिए थाना, तो चाह रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप पप्पू यादव देखिए, उनके समर्थकों को गाड़ी पर बिठाया गया है और उन्हें ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डागबंगला चौराहे पर जो जाम की स्थिति थी वहाँ से उन्हें यहाँ पर साफ किया जा रहा है ताकि जो जाम है उसे खत्म किया जा सके। जैसा कि हमने बिहार के डीजीपी से भी बात की थी, डीएम से भी बात की थी, उन सभी ने कहा था कि आने, देखिए झंडा जो है इनके समर्थक जो है लेके चल रहे थे एक साथ ही, कहाँ झंडा लेके जा रहे हैं? चीला कोटी पप्पू यादव रूम पे, वहीं पर आए थे। अच्छा, क्यों झंडा बांट रहे हैं? झंडा बांटना है ये देश के लिए, अपना मेहनत के लिए कर रहा है, गरीब के लिए साथ दे रहा है कि गरीब भी भूखे न रहे। देखिए पप्पू यादव के समर्थक हैं जो झंडा लेकर जा रहे हैं, ये पूरा जो आप दूर तक देखिए वहाँ पर जो समर्थक हैं उनको
गाड़ी में बिठा करके ले जाया जा रहा है, वो बस चल चुकी है। पप्पू यादव की भी गाड़ी है, इन्हें भी पुलिस वाले यहां से जाने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो पटना का डाक बंगला चौराहा है, यहां पर आज जो बिहार बंद था उसके समर्थन में लोग यहां पर आए थे, आरजेडी के समर्थक के साथ साथ महागठबंधन के समर्थक और जनाधिकार पार्टी के सर्वे सर्वा सुप्रीमो पप्पू यादव और उनके समर्थक यहां जुटे थे। लेकिन अब इसे खाली कराया जा रहा है और इस गाड़ी के जरिए पप्पू यादव यहां से निकल रहे हैं, अपना प्रदर्शन इन्होंने जता दिया है। और इसके बाद जो है वो रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा नजर है बिहार पुलिस की। हमने बिहार के डीजीपी से बात की, उन्होंने कहा कि 90 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किया गया है, 90 से ज्यादा कल के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और बिहार के डीजीपी ने कहा है, चेतावनी दी है कि जो कार्रवाई की होगी वो अभूतपूर्व होगा, इसके पहले कभी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। पर सवाल फिर वही है, क्या बिहार पुलिस से चूक हुई है कल बहुत बड़ी, और उस चूक का खामियाजा बिहार भुगता है, पूरा देश भुगता है। हम अभी रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, वहां पर जिस तरह के परिवारों को, छोटे छोटे बच्चों को बिलखते देखा, दूध के लिए परेशान देखा, खाने के लिए रात रात भर वो स्टेशन पर गुजार रहे हैं, जो जहां है वहीं फंसा हुआ है, ट्रेन के इंतजार में उनका वक्त जो है वो गुजर रहा है, आंखें जो है सिर्फ एक ही चीज को देख रही है कि ट्रेन कब आएगी उनकी और कब वो वहां अपने दिल्ली पंजाब हरियाणा जहां जा रहे हो वहां जा पाएंगे। तो ये तमाम मुश्किलें परेशानियां हैं, कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और, दोनों में अंतर है। यानी ये भले मुंह से बता रहे हो, लोगों को अपील कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की राजनीति को समझिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी जेडीयू दोनों एक साथ है, लेकिन जेडीयू ने अपना मत पहले ही बता दिया और साफ साफ कह दिया कि उन्हें केंद्र सरकार को पुनर्विचार करनी चाहिए। तो जाहिर है कि जैसे ही ये वक्तव्य राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आता है तो ये साफ हो जाता है कि समर्थन है, जो भी विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भले ही उनके पक्ष में आकर सरकार के लोग यहां नहीं आ रहे हो सड़क पर, लेकिन मौन समर्थन सीधा हो गया। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो खाई बढ़ रही थी वो और बढ़ गई है। और कल इससे देखने को मिला कि एक भी लाठी, तमाम गाड़ियां जलाई गई, ट्रेन जलाए गए, सड़कों पर हंगामा हुआ, लेकिन एक भी लाठी नहीं चली। और आज दावा किया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज किया गया है, 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पर सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक तौर पर इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन था? कि बिहार में जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि आरजेडी और जेडीयू दोनों ही इस मामले में, इस मुद्दे पर, और भी कई मुद्दे हैं, जैसे जातीय जनगणना का मुद्दा रहा हो या फिर सीए का मुद्दा रहा हो, तमाम मुद्दे हैं जिस पर कि दोनों के मेल मिलते हैं, दोनों की बातें, दोनों की जुबान मिलती है, पर भले ही अलग अलग में हो, इस मुद्दे पर भी दोनों साथ थे। और अब ये देखना होगा कि क्या इस बारे में, एक और खास बात है कि इतना हंगामा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक भी बयान अब तक नहीं आया है। इतना ही इस हिंसा पर पूरा दिन भर बिहार जलता रहा, सब कुछ होता रहा, तो आखिर ये चुप्पी के पीछे क्या कारण है?